मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब पढ़ेंगे हम लोग, जो हमारा टॉपिक है वर्ब का। ये वर्ब जो है, अगर हमारे सिलेबस में देखा जाए तो ये दो टाइप से होता है। एक वर्ब जो आता है वो आता है हमारा बेसिक वर्ब, और जो दूसरा होता है वो आता है एडवांस वर्ब। अगर हम बेसिक वर्ब की बात करें तो बेसिक वर्ब में हमको पढ़ना क्या रहता है, तो बेसिक वर्ब में हमको तीन टाइप के वर्ब्स पढ़ने होते हैं। एक वर्ब्स जो आता है वो आता है हेल्पिंग वर्ब्स करके, दूसरा जो आता है वो आता है आपका मेन वर्ब्स करके, और तीसरा जो आता है वो वर्ब्स आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स करके। ठीक है, अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस में ऐसे वर्ब्स आते हैं जो एक्चुअल में वो वर्ब्स तो होते हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है, या तो वो नाउन का काम करते हैं, ऐसे वर्ब्स जो नाउन का काम करते हैं, या ऐसे वर्ब्स जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, उनको हम वर्ब एडवांस में रखते हैं। यानी कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले पार्टिसिपल, इसमें हमको सबसे पढ़ने पहले पढ़ना है पार्टिसिपल। दूसरा जो पढ़ना है इसमें हमको पढ़ना है जिरंड, और तीसरा जो हमको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव टू, ठीक है, क्या करें, थिकनेस असेस कर, यहाँ से होगा ना, सही है स्पीड, स्पीड सही है, रिकॉर्ड हो, अच्छा हट जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब एडवांस के चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही, वर्ब एडवांस तो हमें पढ़ना ही है। सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब बेसिक क्या है, क्योंकि वर्ब बेसिक अगर हमें नहीं पता रहेगा कि व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज़ मेन वर्ब, व्हाट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप एक सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो उस सेंटेंस में फिर आप नाउन और एडजेक्टिव कहाँ से रखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हमने तीन वर्ब लिखे हुए हैं, क्या ये तीनों वर्ब एक साथ आ सकते हैं, क्या ये अकेले आते हैं, क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि बेसिक के लिए हम यहां पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये चीज़ पहले हम जान लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर सेंटेंस का हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया है तो किसी भी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो हिंदी ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज लेंगे तो उसमें बिना स्ट्रक्चर के आप सेंटेंस फॉर्म नहीं करेंगे, और सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा तो आप बात कैसे करेंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले जो आती है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद दूसरा अगर देखा जाए तो आती है हमारी वर्ब, और तीसरा जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं कहीं पे ऑप्शनल मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि कहीं कहीं पे किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा और कहीं कहीं पे नहीं भी आता है। अब कहाँ नहीं आता है और कहाँ आता है ये हम जब ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो आपको पता है, अगर सिलेबस में बात किया जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है 8। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपको पता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, वर्ब होता है, ठीक, कंजंक्शन होती है, प्रेपोजिशन होता है, और इंटरजेक्शन होता है। अब हम बात करें कि सब्जेक्ट के पोजीशन पे क्या होता है। देखो, जैसे मूवी होता है, एक मूवी में क्या होता है, हमारा एक एक्टर होता है, लेकिन एक्टर जो मूवी में होता है उस एक्टर के रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, उसमें से हम किसी को उठा के एक्टर के प्लेस पे रख देते हैं। उसी तरह एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास 8 टाइप के एक्टर्स हैं, और उस एक्टर्स में से हम किन को चूज करेंगे ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट के प्लेस पे इन 8 में से वो किसको अपने साथ एडजस्ट कर सकता है, तो एक सब्जेक्ट के प्लेस पे केवल दो ही चीजें आती हैं, या तो वो पहला आएगा नाउन, या नाउन के बदले जो यूज होता है किसका यूज करते हैं हम, प्रोनाउन का,
तो हम यूज करेंगे प्रोनाउन का। यानी सीधी सी बात है कि एक सब्जेक्ट के पोजीशन पे या तो हमारी नाउन आएगी या हमारी प्रोनाउन आएगी। तो इसका मतलब है क्या हम ये कहें कि एक सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या वर्ब आ सकती है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकती है। क्या एक सब्जेक्ट के प्लेस पे एडवर्ब आ सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या एक सब्जेक्ट के प्लेस पे एडजेक्टिव आ सकती है? नहीं आ सकती है। कंजंक्शन आएगा? नहीं आएगा। इंटरजेक्शन आएगा? नहीं आएगा। प्रेपोजिशन आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, अगर आ गया तो क्या करेंगे? तो आ गया तो सीधी सी बात है कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अच्छा, अब अगर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो फिर आ जाते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पे कि इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी क्या आएगा, क्या उस आठ में से कुछ आएगा? तो आपको पता है, नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करने के लिए हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमको चीजें सॉर्ट करनी थी।
छोटी करने की चीजें। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वेंट टू जंगल, अब बार बार अगर राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को मैं बार बार रेफरेंस में लूंगा तो हमारे लिखने के तरीके भी बदल जाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंस होंगे, तो उसकी जगह हम क्या लिखे हैं, प्रोनाउन लिखा है, और उनके पूरे नाम की जगह हम सीधे क्या लिख दिए, दे दिए। अब वो पांच नाम या चार नाम लिखने के बजाय हमने केवल एक वर्ड में इसको सिमट दिया, तो यानी सीधी सी बात है कि ये दे आ गया यहाँ पे, तो चीजें शॉर्ट हो गई। तो पहली चीज तो शॉर्ट हो गई, चलो ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा चीज है कि सेम मीनिंग क्रिएट करें, सेम मीनिंग क्रिएट करें भाई, सेम मीनिंग मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो नाउन जिसके बदले हमने प्रोनाउन यूज किया उसी प्रोनाउन के लिए नाउन आया या उसी नाउन के लिए प्रोनाउन आया, सेम होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था राम, और राम को हमने कर दिया कट करके ही, और बाहर से कोई एंट्री लिया और ही को हमने मिटा दिया एक दफा के लिए, तो पता नहीं कर पाएगा हु इज राम, हु इज ही, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, पहला तो शॉर्ट तो हो गया, राम था तीन का और ये दो का हो गया, ही एच ही, ठीक है। दो इसमें दो सिलेबल आपके आ गए या दो साउंड बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ दो आ गए, दो लेटर के हो गए। यानी सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे दो लेटर आ गए और यहाँ पे चार तीन लेटर है तो ये वाला ज्यादा सुटेबल था, तो पहला तो शॉर्ट हो गया, लेकिन दूसरा ये क्या किया, सेम मीनिंग नहीं आई इसकी, और जब सेम मीनिंग नहीं आई तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, और जब दिक्कत है तो हम सीधी सी बात एक ही बात कहेंगे यहाँ पे कि ये डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट है, इसके लिए एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब ये कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा वही हम देखते हैं। देखो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या करते हैं एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल के बाद हम समझेंगे कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत है। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल लिखा देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, ठीक है, देयर वॉज अ किंग। दूसरा एग्जाम्पल इसके बाद मैंने पढ़ाया, द किंग वॉज वेरी काइंड, वेरी काइंड, इसके बाद हमने लिखा, फिर राजा के बारे में बता रहे हैं कि द किंग लिव्ड इन द पैलेस, पैलेस में रहता था, ठीक है। इसके आगे फिर हम बढ़ा रहे हैं कि द किंग हैड थ्री क्वींस, ठीक है। इसके आगे फिर हम लिख रहे हैं The three queens were very beautiful. So the king was very happy. The king was very happy. अब ये हो गया आपके पास एक सेंटेंस, सेंटेंस क्या हमने एक आपका एक पैसेज लिख दिया सीधे, और किसके बारे में है तो ये सब जानते हैं कि आप स्टोरी थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। ये राजा के बारे में है कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, द किंग लिव्ड इन द पैलेस, द किंग हैड थ्री क्वींस, द थ्री क्वींस वर वेरी ब्यूटिफुल, सो द किंग वॉज वेरी हैप्पी। अगर हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब सीधी सी बात है ना, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब सीधा सा है कि इसमें हम सबसे पहले नाउन पकड़ेंगे। नाउन क्या होता है, तो नाउन एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया की कोई भी चीज़ जो आपको दिखे या ना दिखे, अगर आपने महसूस करके भी उसका नाम रख दिया तो नाउन बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम नाउन पकड़ेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले तो आपको नाउन क्या दिख रहा है, किंग दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है कि आर्टिकल किसके साथ लगता है, नाउन के साथ लगता है, डिटरमिनेंट, तो यानी कि सीधी सी बात है किंग यहाँ पे नाउन। आगे जैसे ही बढ़े यहाँ भी, जब ये किंग नाउन है तो ये भी किंग नाउन है, फिर वेरी काइंड, फिर यहाँ पे फिर से किंग आ गया, ये भी नाउन बन गया आपका। लिव इन पैलेस, पैलेस जो है वो भी है क्योंकि द के साथ आया हुआ है, ये नाउन है, ये किंग भी आपका नाउन हो गया, ठीक है। और क्वींस, जैसे किंग नाउन है वैसे क्वींस नाउन है, ठीक है, यहाँ भी क्वींस जो है वो नाउन हो गया। अब ब्यूटीफुल आपका नाउन नहीं होता, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि क्वींस की क्या कर रही है, क्वालिफिकेशन बता रही है, ठीक है। यहाँ जो किंग है ये भी नाउन हो गया। हैप्पी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि हैप्पी जो है यहाँ पे किंग की क्वालिफिकेशन बता रही है। अब सीधी सी बात है कि नाउन यहाँ पे कितने हो गए, किंग यहाँ पे नाउन हुआ, यहाँ पे पैलेस नाउन हुआ, वहाँ क्वींस नाउन हुआ, यहाँ किंग नाउन हुआ। अब देखो होता क्या है,
अगर आप इस किंग को कट करके, अगर आप इस किंग को कट करके आप इसकी जगह ही लिखना स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगी गड़बड़। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि पहला सेंटेंस ही आपने बता दिया देयर वॉज अ ही, मतलब हु इज ही, आपको पता ही नहीं है। मान लो ये आगे आपने नहीं पढ़ा देयर वॉज अ ही, अब आप बता ही नहीं पाओगे देयर वॉज ही हु इज ही। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि आप इसको कट नहीं करोगे, यानी प्रोनाउन जो है नाउन के बदले आता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्योंकि हम नाउन के बदले प्रोनाउन लिख रहे हैं, गड़बड़ हो जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे क्या कि कंडीशन क्या लगाएंगे। तो देखो अब कंडीशन क्या होता है, कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। कंडीशन ये कहता है ना कि जब एक ही नाउन एक सेंटेंस में बार बार प्रेजेंट हो रहा हो, जब एक ही नाउन एक सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा हो। अब देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं किंग, यहाँ किंग रिपीट हो गया, यहाँ किंग हुआ, पैलेस, क्या पैलेस रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ किंग, हाँ ये रिपीट हुआ है। क्या अब आ गया कि प्रिंस, क्या प्रिंस रिपीट हुआ है? यहाँ रिपीट नहीं हुई है लेकिन यहाँ रिपीट हुई है। यानी कि दो चीज़ें हमको दिखी, अगर हम रिपीट के तौर पर देखें, अगर हम रिपीट के तौर पर देखें तो दो चीज़ें हमें रिपीट होती दिख रही हैं, एक हो रहा है किंग रिपीट, ठीक, और दूसरा जो रिपीट हो रहा है वो क्वींस हो रहा है। एक हो रहा है किंग रिपीट और दूसरा जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है क्वींस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि अच्छा दोनों नाउन है, ठीक है दोनों नाउन है। अब कंडीशन वही कहता है कि अगर एक नाउन एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, एक नाउन एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो आप उसकी जगह पे प्रोनाउन रख सकते हैं, रखेंगे नहीं, रखेंगे का मतलब है कि आप बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, वो सीधे कह रहा है आप रख सकते हैं, आपके पास एक चॉइस है कि आप रखिए या ना रखिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, लेकिन आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ किंग रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है किंग, यहाँ ना रिपीट हुआ, आगे तो रिपीट हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये किंग रिपीट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो इस किंग को हम करेंगे क्रॉस और यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है हो जाएगा, ही वाज वेलकम। फिर से यहाँ पे किंग आ गया, क्या ये किंग रिपीट हुआ? बिल्कुल हुआ, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, तीसरी बार आ रहा है, तो इस किंग को भी हम करेंगे क्रॉस और यहाँ लिखेंगे ही, ठीक है आ गया। यहाँ जो किंग है क्या ये रिपीट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये हुआ चौथी बार, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? अच्छा अब क्वींस, और क्या किंग है? यहाँ किंग है, ये भी रिपीट हो गया, ऊपर से आ रहा है उसको भी किंग लिखना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे क्वींस, एक बार यहाँ क्वींस है, यहाँ दूसरी बार क्वींस आ रही है, ये भी रिपीट हो गया। तो क्वींस के लिए अब देखो प्लूरल है यहाँ पे, ये चीज अब समझने वाली चीज है, ये चीज समझने वाली क्या है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज समझने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो अगर ही हमारे पास प्रोनाउन है, अगर ही प्रोनाउन है तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो हमारा लिविंग होता है, ठीक है, और लिविंग के अलावा क्या होता है? लिविंग के अलावा सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा शी प्रोनाउन है, लिविंग सिंगुलर, अच्छा एक और चीज है, मेल होना चाहिए, जेंडर उसका मेल होना चाहिए, ठीक। अगर हम सी यूज कर रहे हैं सी, तो ये भी लिविंग के लिए आता है, ठीक है, और ये भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, और जो जेंडर होगा इसका, इसका जेंडर फीमेल हो। अगर हम इट का यूज करते हैं, अगर हम इट का यूज करते हैं तो इट जो आता है नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, ठीक है, और अगर छोटा बच्चा है तो इन्फेंट के लिए, बेबी के लिए, ठीक है। तो इट जो होता है आपका वो नॉन लिविंग के लिए आता है, एनिमल के लिए आता है, प्लांट के लिए आता है, इन्फेंट के लिए आता है, और इसका भी जो है, इसका भी क्या होता है, ये भी सारी चीजें होती है सिंगुलर में, अगर ये सिंगुलर में होगा तभी इट लगेगा, ठीक है। अभी तक तो हमने देख लिया कि ई जो होता है सिंगुलर लिविंग के लिए, दैट इज मेल पर्सन होना चाहिए, सी जो होता है लिविंग सिंगुलर के लिए, फीमेल पर्सन होना चाहिए, इट जो होता है हमारा नॉन लिविंग के लिए होता है, एनिमल के लिए भी होता है, प्लांट के लिए भी होता है, इन्फेंट के लिए भी होता है, ये चीज़ आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। अब एक बात उठती है कि केवल सिंगुलर से तो काम चलेगा नहीं, प्लूरल का भी होना जरूरी है, प्लूरल का भी होना जरूरी है, तो यानी सीधी सी बात है प्लूरल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है केवल दे आती है, दे जो है अगर आप इस ही का भी प्लूरल करोगे ना तो भी दे ही लगाओगे, यानी सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई लिविंग चीज है, अगर आपके पास कोई लिविंग चीज है, क्या है, अगर आपके पास अगर
अंदर आपके पास कोई लिविंग चीज, क्या है? लिविंग चीज, लिविंग है, और वो लिविंग में क्या है? मेल है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास लिविंग है और वो लिविंग में क्या है? मेल है, ठीक है। या फिर आपके पास एनिमल है, क्या है? एनिमल, एनिमल्स है। या आपके पास प्लांट्स है, क्या आपके पास? प्लांट्स, ठीक है। या फिर आपके पास कोई भी नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग, और वो भी प्लूरल फॉर्म है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास लिविंग है मेल है, लिविंग है फीमेल है, ठीक है, एनिमल है वो भी प्लूरल है, प्लांट है वो भी प्लूरल है, नॉन लिविंग है वो भी प्लूरल है, तो इनके लिए, सारी चीजों के लिए, उनकी प्लूरलिटी शो करने के लिए हम यूज करते हैं वी यूज दे, हम यूज करते हैं दे का, ठीक है। हम हमेशा किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ही जो है वो लिविंग के लिए आता है जो सिंगुलर होता है, और वो मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बॉय के लिए लगा सकते हैं क्या? ही। हम राम के लिए लगा सकते हैं क्या? ही। अगर हम शी की बात करें, सीता, हम गर्ल के लिए सीता लगाएंगे, ठीक है। गर्ल जो है उसके लिए क्या लगाएंगे? शी लगाएंगे, और सीता के लिए हम क्या लगा सकते हैं? शी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इट की बात करें तो इट में बहुत सारी आ जाएंगी, देखिए जैसे काउ है उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास बनियान ट्री है, बनियान ट्री है, उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मैंगो है, इसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम नॉन लिविंग के लिए इट यूज कर सकते हैं, ये सिंगुलर में है। अगर मैंगोज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, काउस करोगे तो फिर दे लेना पड़ेगा आपको, अगर बनियान ट्रीज करोगे ना तो फिर आपको दे लेना पड़ेगा, अगर आप बॉयज करोगे तो भी आपको दे लेना पड़ेगा, और अगर आप गर्ल्स करोगे तो भी आपको दे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी सीधी सी बात है कि ये सब चीजें तो सिंगुलर में थी, और इनका प्लूरल, इन सब का प्लूरल क्या हो गया? दे। और अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम एक बॉय को उठा ले और एक गर्ल को उठा ले और यहाँ से एक काउ को उठा ले, अगर इन तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या यूज करोगे? तो सीधा सा बात है, आप दे यूज करोगे, चाहे वो ही का प्लूरल क्यों ना हो दे लगेगा, चाहे वो शी का प्लूरल क्यों ना हो दे लगेगा, और चाहे वो इट का प्लूरल क्यों ना हो दे लगेगा, या तीनों को मिला दो तो भी तो प्लूरल बनेंगे ना, तो भी आप दे लगाओगे, ठीक है। ठीक, तो आ जाते हैं अपने वाले पेज पे। तो हम यहाँ कहाँ थे? हम यहाँ थे कि थ्री क्वींस आ गए। अब देखो क्वींस जो है वो एक तो फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? फीमेल है लेकिन शी आना चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो आपको पता है प्लूरल कुछ भी हो, हम सीधे बात है, प्लूरल कुछ भी हो हम यहाँ क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? देख, ठीक है। अब एक बार इस सेंटेंस को हम पूरी तरीके से प्रोनाउन के साथ लिखे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हमने लिखा था देयर वॉज अ, यहाँ पे हमने क्या भरा था? कट करके हमने भरा था क्या? ठीक है, क्योंकि किंग जो है, किंग जो है वो मेल होता है और सिंगुलर होता है और लिविंग है, तो आपको ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी काइंड, ठीक। उसके बाद अगर हम बढ़े, फिर से हमने लगाया था, और यहाँ पे लगाया था हमने ही, फिर से राजा के बारे में बात हो रहा था कि लिव्ड, लिव्ड इन द पैलेस, फिर इसके आगे फिर हमने एक लगाया था ऐसे, और यहाँ किंग लिखा हुआ था, हमने क्रॉस करके उसको लिख दिया था, ठीक है, क्यों? क्योंकि किंग बार बार आ रहा। यहाँ हमने लिखा था कि ही लिव्ड इन द पैलेस और ही हैड थ्री क्वींस, ही हैड थ्री क्वींस, तीन रानियां थी, और उसके आगे फिर से क्वींस, थ्री क्वींस लिख दिया था, उसकी जगह हमने कट करके लिखा था दे, क्या लिखा था? दे, दे होगा भी, क्योंकि क्वींस है, ये लिविंग तो है, फीमेल है, उसी होना चाहिए था, लेकिन तीन यहाँ थ्री दिख रही है, थ्री मतलब प्लूरल हो गया, तीन एक से ज्यादा रानियां हैं, तो यानी सीधी सी बात है प्लूरल के केस में हमेशा क्या यूज करते हैं? हम हमेशा दे का यूज करते हैं, तो ये हो गया आपका दे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो आगे था दे वर वेरी हैप्पी, हमने लिखा था दे वर वेरी हैप्पी, They were very beautiful. क्या था? Very beautiful. They were very beautiful. They were very beautiful.
दे वर वेरी ब्यूटीफुल. अच्छा सो हमने कॉमा लगा के लिखा इसलिए द किंग, फिर से राजा आया तो फिर से हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे, वॉज वेरी. क्वींस को चेंज किया हमने दे, क्योंकि क्वींस यहाँ पे एक बार आ गए, दूसरी बार अगर क्वींस का रेफरेंस देंगे तो हम दे देंगे. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आई, मैं एक बार लिख रहा हूँ, प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आई, कंडीशन लगेगा तो सबसे पहले तो वही आ गया कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, सीधी सी बात है, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. आगे क्या करेंगे, फिर आगे लिखेंगे कंडीशन, इसका कंडीशन क्या है, टू रिमूव द रिपीटेशन ऑफ सेम नाउन के बार बार, मतलब सेम नाउन के रिपीट होने से, मतलब उस रिपीट को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के बदले. ये आपका प्रोनाउन का डेफिनेशन, ठीक है, ये हुआ प्रोनाउन का डेफिनेशन. पॉज करिएगा सर. आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक हमारा रहेगा, वो हमारा टॉपिक जो रहेगा, आज हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा वॉक. आप में बहुत बड़ी टॉपिक, क्योंकि अगर आपको वर्ब नहीं पता रहेगा ना, वर्ब से ही तो हमें एक्शन मिलती है, वर्ब से हमें हैपनिंग मिलती है, वर्ब से ही हमारे हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, वर्ब से ही हमारे एक्शनिंग वर्ब बनते हैं. फिर वो दिक्कत हो जाएगी कि आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, तो वर्ब का होना ज़रूरी है. तो इसके बारे में हम करते हैं. अब जो वर्ब में हमको पढ़नी है ना, वो दो टाइप की वर्ब हमको पढ़नी है, ठीक है. एक जो हमको वर्ब पढ़नी है वो पढ़नी है बेसिक, ठीक है, और जो दूसरी वर्ब पढ़नी है वो आती है वर्ब एडवांस में, ठीक है. अब ये बेसिक वर्ब और एडवांस वर्ब क्या होता है, इसकी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं. देखो हम क्या करते हैं ना, हमारा क्या होता है कि हम लिखा होता है वर्ब, तो हम इसको दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. एक क्या होता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम जानते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. अब अगर ये वर्ब के प्लेस पे आ रही है, मतलब ये जो वर्ब मैं कह रहा हूँ, अगर ये वर्ब के प्लेस पे आ रही है तो इसको हम पढ़ते हैं वर्ब बेसिकली, ठीक है. अगर ये वर्ब जो है, अगर वर्ब के प्लेस पे आ रही है, मतलब सब्जेक्ट को दिखाने के लिए आ रही है, सब्जेक्ट का एक्शन शो कर रही है, सब्जेक्ट का हैपनिंग शो कर रही है, तब तो ठीक है, तब तो इसको वर्ब बेसिक में लेके आएंगे. लेकिन अगर ये वर्ब सब्जेक्ट के ही प्लेस पे आ जाए, अगर ये वर्ब सब्जेक्ट के ही प्लेस पे आ जाए, या ये वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाए, या हो सकता है कि ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दे. और आपको पता है कि कोई भी चीज़ क्वालिफिकेशन वाली जो होती है वो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वो एडजेक्टिव होती है या एडवर्ब होती है. तो सीधी सी बात है कि अगर हम वर्ब को वर्ब की तरफ पढ़ेंगे, मतलब वर्ब का प्लेस सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, सब्जेक्ट का एक्शन बताएगा, हैपनिंग बताएगा, तब तो वर्ब बेसिक है, मतलब यहाँ पे बेसिक है, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें कि इस वर्ब को सब्जेक्ट की तरह यूज करना पड़े, अब आपको पता है कि एक सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आती है, यानी सीधी सी बात है कि आप क्या करोगे कि वर्ब को नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. अच्छा यहाँ पे तो ये वर्ब वाली आएगी, फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी आप वर्ब रखने की कोशिश कर रहे हो. अब अगर एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आप वर्ब रखोगे तो उसको भी नाउन की तरह रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, ठीक है, आपको नाउन की तरह रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा. या फिर अगर मान लो आपके पास कोई नाउन पड़ी हुई है और उस नाउन से पहले आपने एडजेक्टिव, आपको क्या रखना है, आपको एडजेक्टिव रखना है, और आपने वर्ब रख दी, तो फिर इस वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा. ध्यान दीजिए मेरी बात को, वर्ब जो है बेसिक और एडवांस दो टाइप की होती है. बेसिक में क्या आता है,
ऐसी वर्ब जो वर्ब्स की तरह ही काम करती हैं, मतलब सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद आएगी और सब्जेक्ट का एक्शन बताएगी, सब्जेक्ट का स्टेट बताएगी, सब्जेक्ट का हैपनिंग बताएगी, जो भी बताएगी, ठीक है, वो वर्ब बेसिक में आती है। और ये जो वर्ब एडवांस की बात हम कर रहे हैं ना, ये जो वर्ब एडवांस है ये क्या होता है, तो इस वर्ब के और सारे काम होते हैं। और सारे काम में क्या होते हैं कि कभी कभी वर्ब को हमें सब्जेक्ट पर रखना पड़ता है, कभी कभी हमें वर्ब को सब्जेक्ट पर अगर रखना पड़ता है तो सीधी सी बात है अगर हम वर्ब को सब्जेक्ट पर रखेंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर तो नाउन आती है, यानी इस वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रख देते हैं तो इस वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन आता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन कैसे आ सकता है, तो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो पैसिव वॉइस का पहला रूल क्या होता है, पैसिव वॉइस का पहला रूल होता है ना कि हमारा जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका काम करने लगता है, सब्जेक्ट का। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका काम करने लगता है, सब्जेक्ट का, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आती है, यानी दूसरा इक्वेशन हमारा ये होता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आती है नाउन। अब जरा हमें बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा। आप मैथ पढ़े हो, अगर मैं बोलूँगा x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू जेड, तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू जेड। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इक्वल टू नाउन है तो यहाँ से एक ही चीज़ मिली कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू भी नाउन हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वलिटी भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी नाउन आएगा। अब आपने यहाँ पर रख दिया वर्ब, तो उस वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें कि अगर आपके पास कोई नाउन है, ठीक है, उस नाउन से पहले आपने रख दिया वर्ब, तो नाउन से पहले आने वाली चीज़ नाउन का डिटर नाउन का क्या बन जाती है, मॉडिफायर बन जाती है, और एक मॉडिफायर एडजेक्टिव भी होती है, यानी कि इस वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। यानी सीधी सीधी से कहने का मेरी बात ये है कि अगर आप वर्ब को वर्ब की तरह पढ़ोगे तो वर्ब बेसिक में पढ़ोगे, और अगर आप इस वर्ब को कैसे पढ़ोगे, अगर आप इस वर्ब को नाउन बना के पढ़ोगे या इस वर्ब को एडजेक्टिव बना के पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे, एडवांस में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वर्ब को वर्ब की तरह पढ़ोगे तो आप बेसिक में जाओगे, अगर वर्ब को आप नाउन या एडजेक्टिव बना के पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस में, ठीक है, आपको वर्ब एडवांस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि दो वर्ब को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक वर्ब जो बेसिक का काम करती है और एक वर्ब जो एडवांस का काम करती है। एडवांस का मतलब वही चीज हो गया कि जो एडजेक्टिव और नाउन का काम करे डैट इज वो एडवांस में आ जाएगा, और जो आपका बेसिक का काम करे वो वर्ब्स कहाँ आ जाएंगी, वो आपकी बेसिक में, जो वर्ब का वर्ब की तरह काम करे वो बेसिक में आ जाएंगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पहले दिखा देते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, जैसे हमने लिखा ना कि ही इज going to school, he is going to school, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है, या इसको ना लिख के हम अगर लिख दें he is walking, ठीक है, he is walking, ठीक। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे walking is essential, वॉकिंग ज़रूरी है फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, इसेंशियल फॉर हेल्थ, ठीक। और एक और लिख दूँ, वॉकिंग चाइल्ड, ठीक है, वॉकिंग चाइल्ड। तीन चीज़ें हमने लिखी, तीनों चीज़ों में वॉकिंग की बात हुई है, वॉक में आईएनजी, वॉक में आएंगी, वॉक में आएंगी। क्या ये तीनों चीज़ें मेन वर्ब का काम कर रही हैं या तीनों अलग अलग चीज़ें हैं? अब ध्यान देना ज़रा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है यहाँ ही, क्योंकि ही वॉक कर रहा है, तो इज बनी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी सीधी सी बात है कि ये वर्ब का फॉर्म है, और वर्ब में क्या लगाया गया है, आईएनजी फॉर्म, और रखा किस लिए गया है, सब्जेक्ट के लिए। क्या बता रहा है, सब्जेक्ट की एक्टिविटी बता रहा है। तो यानी सीधी सी बात है ना, ये हमारा बेसिक वर्ब में आ जाएगा। यहां जो वॉक का यूज किया जा रहा है वो बेसिक तरीके का किया जा रहा है भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, आ रही है, ठीक है।
अब यहां जो वॉकिंग इज एसेंशियल फॉर हेल्थ लिख दिया गया है, यहां देखो जरा किसी भी वर्ड में पहला, अब देखो यहां पे इज आपको दिख रही है, इज यानी कि आपकी अगर हेल्पिंग वर्ब हुई, यहां पे वैसे मेन वर्ब बनी हुई है, अगर हेल्पिंग वर्ब हुई इज, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ही मान लो, तो इससे पहले आनी चाहिए थी सब्जेक्ट, यानी यहां जो वॉकिंग है ये सब्जेक्ट है, अगर ये वर्ब होती तो इज के बाद आनी चाहिए थी। क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या कि मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म और प्लस इज होता है, प्लस इज एम आर होता है, ऐसा तो कभी आपने नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा इज एम आर के बाद आई एन जी फॉर्म, तो सीधी सी बात है कि ये वर्ब नहीं है, फिर ये आई एन जी वाली वर्ब नहीं है, तो ये है क्या, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसलिए सब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी सीधी सी बात है ना, ये किसका काम कर रही है, नाउन का, ये काम कर रही है नाउन का। और आपको एक चीज बता दूं कि ऐसी वर्ब जो नाउन का काम करती है और आई एन जी लेके आती है, ऐसी वर्ब जो नाउन का काम करती हैं, ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब्स, ऐसी मेन वर्ब्स जो क्या करती हैं, नाउन का काम करती हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, तो अगर आप मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ दोगे, मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ दोगे तो वो बन जाती है नाउन। और इसको क्या कहा कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है जिरंड। मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ के आप नाउन बना सकते हो और उस नाउन को बोला जाएगा जिरंड। और क्यों जिरंड बोला जाएगा, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों इसको नाउन बनाने की ज़रूरत है, तो अरे भाई नाउन क्यों बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस नाउन को कहाँ यूज करना है आपको, सब्जेक्ट पे, और इस नाउन को और कहाँ यूज करना है, ऑब्जेक्ट पे। यानी अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे यूज करना है तो आपको नाउन बनाना पड़ेगा, और नाउन बनाना पड़ेगा तो आपको मेन वर्ब की आई एन जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आई एन जी बनाते ही आप नाउन बनाओगे, यानी सीधी सी बात है मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म नाउन की तरह जब काम करते हैं तो उसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, सिरंड। अब अगर मैं बात करूंगा कि ये बेसिक है कि एडवांस है, तो भाई इसको हम एडवांस में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, एडवांस में, इसको हम पढ़ेंगे एडवांस में, ठीक है, ये क्या है बेसिक। अच्छा जरा नीचे आ, नीचे क्या है, वॉकिंग चाइल्ड, क्या लिखा हुआ है, वॉकिंग चाइल्ड। अब अगर वॉकिंग चाइल्ड लिखा हुआ है तो जरा ध्यान दीजिए कि चाइल्ड जो है वो है ना, और चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि चाइल्ड कैसा है, चाइल्ड कैसा है भाई, वॉकिंग है, ठीक है, टहलता हुआ है, यानी चाइल्ड का ही, चाइल्ड की ही का ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे, चाइल्ड का ही स्टेट बताया जा रहा है कि वो कैसा है, तो वॉकिंग है। यानी अगर किसी नाउन का स्टेट बताया जाए या नाउन को क्वालिफाई किया जाए या नाउन का कोई भी चीज़ नाउन के बारे में बात होती है तो वो हमारी बन जाती है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वॉकिंग कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, यहाँ वॉकिंग नाउन की तरह, यहाँ वॉकिंग कैसे काम की तरह। अब सीधी सी बात, फॉर्म आ रही है, सिरंड भी आई एन जी फॉर्म आ रहा है और मेन वर्ब भी आई एन जी फॉर्म आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यानी सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई मेन वर्ब है, अगर इस मेन वर्ब में हमने आई एन जी जोड़ दिया, ये तीन तरीके से काम करेगी, ठीक है। पहला काम रहेगा इसका मेन वर्ब का, जो मेन वर्ब काम कब करेगी, जब किस फॉर्म में रहेगी, कंटिन्यूअस में, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब है इज एम आर की फॉर्म्स आ जाए, वॉज वर की फॉर्म्स आ जाए, ठीक है, इनकी अगर फॉर्म्स आ रही है तो यानी कि ये मेन वर्ब आपकी काम कर रही है। अच्छा दूसरा आई एन जी फॉर्म और कहाँ काम करती है, तो जहाँ भी हमको नाउन की ज़रूरत पड़ गई, जहाँ भी हमको नाउन की ज़रूरत पड़ गई, और नाउन की ज़रूरत दो ही चीज़ों में पड़ती है, या तो हमारे पास सब्जेक्ट हो या हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। नाउन की ज़रूरत हमें दो ही चीज़ों में पड़ती है, या तो हमें सब्जेक्ट लेना हो या हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो। तो अब वहाँ पे वर्ब आ रही है तो वहाँ भी आप आई एन जी लगा सकते हो, क्या लगाओगे वहाँ पे भी, वहाँ पे भी आप आई एन जी लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, इनको क्या बोलेंगे, तो इनको बोला जाता है जिरंड। क्या बोला जाता है इनको, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है जिरंड। क्या बोला जाता है, जिरंड। अब तीसरा मेन वर्ब कहाँ है, तीसरा भी आता है आई एन जी फॉर्म। अच्छा इनको क्या, किस लिए ज़रूरत पड़ गई, तो इनको भाई बनाने की पड़ गई एडजेक्टिव की ज़रूरत, और एडजेक्टिव की अगर ज़रूरत पड़ गई तो एडजेक्टिव वाले जो आई एन जी फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है, आप सुने भी होंगे, उसको बोला जाता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, उनको बोला जाता है पार्टिसिपल। मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म तीन तरीके से एक सेंटेंस में काम करती है, कंटिन्यूअस बनाई जा सकती है, ठीक है, जो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, दूसरा जिसको फोर्थ फॉर्म भी आप बोलते हैं, दूसरा नाउन की तरह भी काम करेगा। नाउन की जरूरत क्यों पड़ेगी, नाउन की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप या तो सब्जेक्ट बनाना हो या ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर नाउन की जरूरत पड़ी और मेन वर्ब आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसमें आई एन जी लगा दो,
और जैसे ही आपने ing पुट किया दैट इज कॉल्ड जेरंड, उसको जेरंड बोलना स्टार्ट करेंगे। तीसरा, अगर हम उसको एडजेक्टिव की तरह काम करा दें, अब एडजेक्टिव की जरूरत क्यों पड़ेगी, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी क्यों, देखो जैसे कार है, ठीक है कार है, आप उससे बहुत तेज देखिए, मतलब तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे I saw a running car, क्या लिखोगे आप, I saw a running car। अब देखो यहाँ पे I saw a running car में अगर आप ये बोल दोगे कि भाई ing फॉर्म है, ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, और मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो गड़बड़ है। अगर आप इसको जरंड बोल दोगे कि ing फॉर्म जरंड होती है, तो भी गड़बड़ है। तो है क्या भाई, अब ध्यान से देखो, पहला वर्ड बना सब्जेक्ट आई, दूसरा उसका एक्शन दिखा रहा है शॉ, मतलब सीधी सी बात है, एक तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यानी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो रही है वो भी सी का सेकंड फॉर्म है, मतलब देखा। अब ये जो सा है, शॉ आपको दिख रहा है ना, एस ए डब्ल्यू, ये जो सा है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांजिटिव और व्हाट इज इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव क्या होता है भाई, ट्रांजिटिव क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया ट्रांजिटिव क्या होता, ठीक है, तो जरा हम ट्रांजिटिव के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। देखो मेन वर्ब जो होती है, वो मेन वर्ब है, यानी कि बेसिक वर्ब है, ये आपको पता चल गया होगा, मेन वर्ब की बात करो यानी वो बेसिक है, ये दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है ट्रांजिटिव, ठीक है, और एक होती है इंट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या होता है, तो देखो सब दोनों में तो सब्जेक्ट आएगा ही, क्योंकि मेन वर्ब आ रहा है, मान लो कि यहाँ सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब आ गई, और यहाँ भी सब्जेक्ट है और उसके बाद क्या आ गई, मेन वर्ब आ गई, ठीक। अब वो ट्रांजिटिव क्या होता है ना, कि ऐसी मेन वर्ब्स जो अपने बाद किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की, ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो किस पे एक्शन दिखाएगा, तो ऑब्जेक्ट पे दिखाएगा, मतलब ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है उनको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, अच्छा इंट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, तो ठीक इसका उल्टा, इन लगा है यानी कि अपोजिट चला गया, और अपोजिट चला गया यानी कि सीधी सी बात है कि ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनको बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, मान लो कि ये आपका मेन वर्ब है, मान लो ये सपोज करो ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, क्या इस ये मेन वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, क्या इस मेन वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है क्या इस मेन वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि ये जो है इसीलिए तो बनाया गया है ना, और अगर आप इसको साथ में रखोगे तो ये फिट भी बैठ जाएगा, मतलब सपोज करो ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या इस मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बिल्कुल है, ऐसे रखोगे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, एक तरह से मान लो मेन वर्ब सेलफोन है और ऑब्जेक्ट उसकी बैटरी है, ठीक है, सेलफोन को बैटरी की जरूरत है, बिना बैटरी के चलेगा नहीं, तो सीधी सी बात है कि ऐसे मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है डेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात करें हम, तो अब ध्यान दो ये पूरा मेन वर्ब बन गया, अब अगर मैं इसको रखूं, ये पूरा मेन वर्ब बन गया और इसको रखूं, तो अब क्या इन दोनों को रखने की जरूरत है एक साथ, नहीं रखने की जरूरत है, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको रखना कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, यानी ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसको बोला जाता है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या बोला जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ट्रांजिटिव वर्ब सीधी सी बात है ऐसी मेन वर्ब जिनको रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, ठीक है, ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत है डेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी मेन वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उनको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब जरा आ जाओ, जो हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, शॉ की बात कर रहे थे, तो हमारी शॉ है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं,
बिल्कुल पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो इसको किस किस जरूरत पड़ेगी, तो एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, तो एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम जानते हैं क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पे देखो कार नाउन दिया हुआ है, और फिर ये एक है। तो देखो कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपके पास रहता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसको बताना पड़ता है, उसको आपको डिटरमिनर देना ही पड़ेगा। इसलिए हमने क्या दिया, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसलिए हम ए लगाए हुए हैं। तो ऐसा रनिंग कार, अब ये जो रनिंग है किसका काम करने लगी, एडजेक्टिव का काम करने लगी, ये रनिंग किसका काम करने लगी, एडजेक्टिव का काम करने लगी। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं, अगर मैं इसी को लिख दूं, एक बार सपोज करो मैंने लिख दिया ना ही वॉज रनिंग, अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये रनिंग जो है जेरंड है, क्या ये जो रनिंग है वो जेरंड है, क्या ये जो रनिंग है वो पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, क्या ये जो रनिंग है ये मेन वर्ब है। तो आप कहोगे कि टू बी वर्ब्स इज एम आर के बाद, अगर इज एम आर के बाद देखा जाए तो आईएनजी फॉर्म आती है, यानी ये जो है ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, सीधी सी बात, ठीक है। ये कैसा मेन वर्ब आ गया, जो वर्ब्स को हम जिस वर्ब्स जिन जिन वर्ब्स को हम एडजेक्टिव या नाउन की तरह काम कराते हैं वो आती हैं एडवांस में, और जिनको हम वर्ब की तरह ही रख देते हैं वो कहाँ आती हैं, वो आती हैं कहाँ पे, वो आती हैं आपकी कहाँ पे, वो आ जाती हैं आपकी बेसिक में, ठीक है, वो आ जाती हैं बेसिक में। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ना हम एक बार बेसिक देखेंगे कि बेसिक का क्या दिक्कत है, ठीक है, उसके बाद हम एडवांस एडवांस देखेंगे। पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक में क्या क्या होता है, ये वर्ब क्या होती है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कैन पुट भी देख रहे हैं, प्ले भी देख रहे हैं, गो भी देख रहे हैं, ये इतनी सारी वर्ब्स है, क्या ये सारी वर्ब्स एक कैटेगरी में आती हैं या इनका यूज़ अलग अलग होता है, क्या ये एक आती है, इनका यूज़ अलग अलग होता है, ठीक है, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं फिर, अगर हम वर्ब की बात करें बेसिक के बेस पे, किसके बात किसके बेस पे, बेसिक के बेस पे, तो ये जो होती है ना ये तीन कैटेगरी की होती है। एक जो होती है वो होती है मेन वर्ब, एक हमारी जो होती है वो होती है मेन वर्ब, जो दूसरी होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और जो तीसरी होती है वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब। एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले ना हम इसको सीखेंगे, ये है क्या आखिर, ये मेन वर्ब क्या होती है, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम, अगर मेन वर्ब को हमको देखना है तो हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब को ही पहले बात कर लेते हैं हम कि मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब की डिफिनेशन हम देखते हैं क्या क्या हो सकती है। जैसे हमें अगर कोई भी चीज़, हमें कोई पोस्ट लेनी है या एसएससी की पोस्ट लेनी है तो उसमें बहुत सारे एग्जाम हमको क्लियर करने पड़ते हैं, उसी तरह किसी भी वर्ड को अगर मेन वर्ब बनाओगे ना तो उसको भी बहुत सारे, एक तरह से बहुत सारी क्राइटेरियाज पूरी करनी पड़ेगी, बहुत सारी क्राइटेरिया पूरा करेगा तभी हो पाएगा। यानी सीधी सी बात है, एक मेन वर्ब को ना तीन तरीके से तीन क्राइटेरिया उसको पूरी करनी पड़ेगी, जब ये तीनों क्राइटेरिया पूरी कर लेगा तब वो मेन वर्ब कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यानी सीधी सी बात है, हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, हमको बस ये जानना है कि क्या ये मेन वर्ब है। पहला हमने लिख दिया बॉय, ठीक है, बॉय। दूसरा हमने लिख दिया विल, ठीक है। तीसरा हमने लिख दिया कैन। चौथा हमने लिख दिया राइट, ठीक है, राइट, ठीक। लिख दिया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक। अब इन सारे वर्ड्स को हम मेन वर्ब की क्राइटेरिया में रखेंगे, अगर ये मेन वर्ब की तीनों क्राइटेरिया पूरी कर लेती हैं तो ये मेन वर्ब होंगी, वरना नहीं होंगी, ठीक है। अब पहला हम देखते हैं मेन वर्ब का, पहला जो होता है वो इसका क्या होना है कि सबसे पहले एक मेन वर्ब को मीनिंगफुल होना ज़रूरी है, अगर मीनिंग नहीं दोगे तो मेन वर्ब नहीं बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक। यानी मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। अब ये जो वर्ड लिखे हैं ना, पहले हम इनकी मीनिंग जान लेते हैं। तो क्या ये पहला एग्जाम पास करेंगे अपना, तो बॉय मतलब लड़का होता है, चलो बॉय भी पास कर गया मेन वर्ब का पहला क्राइटेरियन,
ठीक है। दूसरा विल, विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। विल केवल टेंस बताता है कि हम फ्यूचर में हैं। विल जो इच्छा वो दूसरी बात है। मैं विल हेल्पिंग वर्ब शैल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सिलरी की बात कर रहा हूँ। कैन, कैन का मतलब क्या होता है? अब आप कैन का मतलब कहोगे सकना, ठीक है, लिख लेते हैं सकना एक बार, लेकिन वैसे होता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो वो तो एबिलिटी दिखाती है, ठीक। यानी कैन मीनिंगफुल, एक बार चलो कैन को मीनिंगफुल कर दिया। राइट लिखना, चलो ये भी मीनिंगफुल हो गया। कैन मीनिंगफुल है, राइट मीनिंगफुल है, बॉय मीनिंगफुल है। एक बार मैनेजमेंट को देख लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब भी होता है व्यवस्था, ये भी मीनिंगफुल है। यानी कि इसमें से केवल विल गायब हो गया, बाकी सब पास कर गए। अब जैसे ही मीनिंगफुल होगा ना, जैसे भी मीनिंगफुल होगा ना, दूसरा इसका एक क्राइटेरिया चलेगा, दूसरा ये चलेगा ना कि ये अगर मीनिंगफुल हो गया ना तो इसको दो चीज़ें होनी पड़ेगी, या तो ये एक्शन शो करे या हैपनिंग शो करे। या तो वो एक्शन शो करे या हैपनिंग शो करे। एक्शन शो करे या हैपनिंग शो करे का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखिए, एक्शन का मतलब होता है जो हम करते हैं, मतलब हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है। हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, उसे मतलब रोक भी सकते हैं और उसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो होती है एक्शन। मतलब हमारे विल पावर पे होता है डिपेंड, हमारे डिज़ायर पे डिपेंड करता है ये। और जो हैपनिंग होता है ना, वो हमारे डिज़ायर पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद हो जाता है, ये अपने आप होगा, ठीक है, ये अपने आप होगा हैपनिंग। एक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो ये एक्शन और हैपनिंग दोनों चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखा जाए तो मैं अगर कहूँ सुसाइड करना, तो सुसाइड करना जो है ना वो एक्शन हो जाती है। लेकिन अगर मैं करूँ कहूँ मर जाना, तो मर जाना जो होता है वो हैपनिंग होती है, क्योंकि मरने में आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन सुसाइड करने में आपका रोल है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मर जाता है तो वो हैपनिंग वर्ब हो गई। डाई जो है आपकी, डाई मतलब मरना, ये आपकी हैपनिंग में आती है, लेकिन सुसाइड अगर मैं लिखूंगा तो एक्शन में आएगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आपका एक्शन नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि भूख लगी है। भूख जो लगी है वो आपकी हैपनिंग बन गई। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो ना, खाना ईट, तो ईट जो कर रहे हो ना वो एक्शन हो जाएगी। अगर आपको प्यास लगी है तो हैपनिंग है, पानी पीना एक्शन हो जाएगा। अगर आपको नींद आ रही है, नींद, नींद लगना, नींद का आना, ठीक है, तब तो हैपनिंग हो जाएगी। लेकिन आप सोने का नाटक कर रहे हो, सो रहे हो, सो नहीं रहे हो, नाटक कर रहे हो, लेकिन कोई देखेगा तो वही कहेगा सो रहे हो, यानी वो सोना जो हो गया वो एक्शन हो गया। तो हैपनिंग का मतलब हुआ जो चीज़ें खुद से हों, और एक्शन का मतलब हो गया कि जो चीज़ें जो है वो हम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो हम करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी, या तो एक्शन बता दे या हैपनिंग बता दे। एक तो पहले मीनिंगफुल होना जरूरी है, और दूसरा या तो एक्शन बता दे या हैपनिंग बता दे। अब जरा ध्यान से देखते हैं, क्या बॉय एक्शन है कि हैपनिंग है? बॉय एक्शन है कि हैपनिंग है? अब बॉय का मतलब होता है लड़का, लड़का ना तो एक्शन है ना हैपनिंग है, क्योंकि इसमें तो कोई एक्टिविटी ही नहीं दिख रही है। ये एक्टिविटी नहीं दिख रही है भाई, ये तो नाउन है, नाम है, एक्टिविटी नहीं दिख रही है। जब एक्टिविटी दिखेगी तब तो हम बताएंगे ना डेट इज एक्शन और डेट इज हैपनिंग, ये तो है नहीं। विल, विल का तो हमने पहले ही कट कर दिया कि भाई ये डेफिनेशन नहीं दे रहा, मीनिंगफुल नहीं दे रहा। अब आपको लग रहा है ना कि ये मीनिंग नहीं दे रहा लेकिन एक्शन हैपनिंग शो करेगा। अच्छा ठीक है, मैं देखो अगर एक वर्ड लिखूं, मैं लिख दूं ना डी पी एस एल एम, जरा इसका बताओ, इसका ये हैपनिंग है कि एक्शन है? बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं पता है। यानी सीधी सी बात है, जिनकी मीनिंग नहीं पता है उनकी एक्शन और हैपनिंग भी नहीं पता चलेगी। तो यानी विल की मीनिंग नहीं पता है ना, तो ये एक्शन और हैपनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। कैन मतलब सकना। अब आप कहोगे सकना जो है वो हैपनिंग भी हो सकता है, वो एक्शन, वो हैपनिंग एक्शन है। मैं कहूँ वह मर सकना, मर सकना, बताओ अब क्या हो जाएगा? यानी सीधी सी बात है कि अब आप कहोगे मरना तो हैपनिंग में आता है। मैं कहूँगा खाना खा सकना, ठीक है, अब आप कहोगे खाना खाना तो एक्शन में आता है। तो एक्शन और हैपनिंग दोनों हो रही है कैन। चलो एक बार हम मान लेते हैं ना, आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि एक्शन, ये कैन जो है ना ये दोनों में आ रहा है, एक्शन और हैपनिंग में, ठीक है। राइट आ जाओ, लिखना, लिखना जो है वो पता है कि आपको एक्शन है। यानी राइट जो है, राइट भी पास कर गया। मैनेजमेंट व्यवस्था, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था करना नहीं, मैं केवल पूछ रहा हूँ व्यवस्था, व्यवस्था क्या एक्टिविटी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। व्यवस्था तो वो हो गया जो सब कुछ करने के बाद जो सही लगता है उसको व्यवस्था बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है कि व्यवस्था भी एक्टिविटी में नहीं आ रहा है, और जब ये एक्टिविटी में नहीं आ रहा है ना तो ये एक्शन या हैपनिंग शो नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट कट हो गया, विल पहले ही कट हो गया, बॉय भी कट हो गया। अब आपके पास बचे दो, कैन और राइट, ठीक है। अब इन कैन और राइट को ना हम तीसरे एग्जाम में बैठाएंगे, और तीसरा एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस एग्जाम के निकलने के बाद मेन वर्ब का पोस्ट मिलेगा उसको, ठीक है। तो तीसरा कहता है ये कि मेन वर्ब जो होता है इट जेनरेट्स, मेन वर्ब जो होता है इट जेनरेट्स फॉर्म्स, फाइव फॉर्म्स, मतलब एक मेन वर्ब पांच तरीके के फॉर्म जनरेट करती है।
अब अगर ये पांच तरीके के फॉर्म जनरेट करती है अगर, तो इन दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम राइट को देख लेते हैं, राइट के पांच फॉर्म होते हैं कि नहीं होते हैं वो देख लेते हैं। पांच फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक होता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसको लैंग्वेज में बोल देते हैं मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये, और इसको बोल देते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, आईएनजी फॉर्म ही होती है ये, और ये कंटिन्यूअस वाली फॉर्म है, और ये आपकी एस या ईएस फॉर्म है, प्रेजेंट वाली फॉर्म है, ठीक है। अगर ये पांच होते हैं तो ये पांच जो है ना, इन दोनों के भी होने चाहिए, किसके, कैन के भी और राइट के भी। अगर ऐसा होता है तब तो हम बोल देंगे कि कैन मेन वर्ब है और राइट भी मेन वर्ब है। एक बार राइट को चेक करते हैं, राइट का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, ठीक है। राइट का एस या ईएस फॉर्म होता है राइट्स। अगर सेकंड फॉर्म देखेंगे तो होता है रोट। थर्ड फॉर्म देखेंगे तो होता है रिटन, और अगर आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो होता है राइटिंग, ठीक है। पांच फॉर्म मिल गई, यानी सीधी सी बात है, पहले तो हम राइट को सीधे उठा के कहेंगे भाई चलो तुम मेन वर्ब, राइट क्या बन गया, मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कैन की, जरा कैन को देख लेते हैं कि कैन क्या है। अगर कैन को हम देखें, अगर हम कैन को देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा, कैन का फर्स्ट फॉर्म आप कहोगे कैन, जरा कैन कैसे ये फॉर्म बताओ, कैंस, सी एन एस, कभी नहीं। कैन का सेकेंड फॉर्म कहोगे कुड, जरा थर्ड फॉर्म बताओ कैन का, नहीं होता, ठीक है। कैन का आईएनजी फॉर्म कैनिंग, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। यानी सीधी सी बात है, कैन के फॉर्म्स नहीं बन रहे, यानी कैन दो, अगर आपने ज़बरदस्ती करके दो चीज़ें पास करा दी, तीसरी चीज़ तो पास ही नहीं कर पाया। तीसरी चीज़ कह रहा है कि इट जनरेट फाइव फॉर्म्स, इट जनरेट फाइव फॉर्म्स, क्या कह रहा है ये, इट जनरेट फाइव फॉर्म्स। अगर पांच फॉर्म जनरेट कर रहा है ये, तो यानी सीधी सी बात है, अगर पांच फॉर्म जनरेट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि एक मेन वर्ब होगा, ठीक है। यानी मैं क्या कह रहा था कि अगर आपके पास कोई मेन वर्ब आपके पास रखनी है, अगर आपको मेन वर्ब बतानी है कि मेन वर्ब है कि नहीं, तो तीन चीज़ें पास करानी पड़ेगी। पहली चीज़ पास करानी पड़ेगी कि उस वर्ब को क्या होना पड़ेगा, उस वर्ब को होना पड़ेगा मीनिंगफुल, चलो हो गया। दूसरा, अगर मीनिंगफुल हुआ तो या तो उसे एक्शन दिखानी पड़ेगी अपनी, या फिर उसको बोलना पड़ेगा ये खुद से हो रही है भाई, हैपनिंग हो जाएगा, ठीक। तीसरा, अगर हम बात करें, तीसरा अगर दो पास कर लिए तो इट जेनरेट्स, जैसे आप ओटीपी जनरेट करते हो वैसे ही इट जेनरेट फाइव फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स होते हैं, पांच फॉर्म्स जनरेट करेगा ये, पांच फॉर्म्स। कौन कौन से, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की एस या ई एस फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म। ये पांच फॉर्म उसको देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दे रहे ना, अगर नहीं दे रहे ना, तो वो मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। अगर ये दो चीज़ें पूरी की और ये नहीं किया ना, तो मेन वर्ब नहीं हो सकता। जैसे हम कैन को देख लिए, विल को देख लिए, ये सारी चीज़ें मेन वर्ब नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यानी मेन वर्ब की सीधी सी बात है, पहला मीनिंगफुल, दूसरा एक्शन या हैपनिंग, तीसरा जनरेट फाइव फॉर्म्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेन वर्ब है, वरना नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेन वर्ब है, वरना नहीं है, ठीक। अब आगे आ जाओ, जरा पॉज करिएगा जरा। मतलब कट कर देंगे ना आप, कट कर देंगे ना, बीच में कट हो जाएगा ना। अच्छा, हाँ, मतलब बीच में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, तो छोड़ दीजिए, ये ठीक था। अब अगर हम बात करते हैं मेन वर्ब की और तरीके से, अब हुआ क्या ना कि हमारे पास पड़ा था सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे पास पड़ा था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास पड़ी थी वर्ब, और वर्ब के बाद हमारे पास पड़ी थी क्या, ऑब्जेक्ट। हमारे पास था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थी वर्ब, और वर्ब के बाद थी हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब बात ये उठती है कि ये है क्या, तो देखो अब वर्ब को हम, पता चल गया हमें कि ये वर्ब जो है बेसिक का काम कर रही है, यानी यहाँ पे इस वर्ब को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या तो ये मेन वर्ब होगी, या ये हेल्पिंग वर्ब होगी, या ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी। अब प्रॉब्लम ये उठती है ना कि क्या ये तीनों आएंगे एक साथ,
या केवल हेल्पिंग और ऑक्सिलरी आएगा, या फिर केवल हेल्पिंग आएगा और केवल ऑक्सिलरी आएगा, या फिर मेन वर्ब अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, या फिर मेन वर्ब ऑक्सिलरी के साथ आएगा, या ऑक्सिलरी कहेगा कि मैं अकेले आना चाहता हूँ। यानी सीधी सी बात है कि ये जो वर्ब लिखा है ना, अब यहाँ पर डिफाइन करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम मेन वर्ब तो पढ़ लिए कि मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब मीनिंग देता है, एक्शन हैपनिंग शो करता है, फॉर्म जनरेट करता है, लेकिन क्या ये अकेले काम कर लेगा? तो यही चीज़ देखने के लिए ना हमको एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। और देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ये ना क्या है, ये डायग्राम में क्या है, ये अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सीधी सी बात है कि ये है स्कूल, क्या है स्कूल, क्या हो गया ये, देखो अगर हमको मेन वर्ब बताने की ज़रूरत है कि क्या ये अकेले आएगी, क्या इन दोनों के साथ आएगी, या दोनों अकेले आएंगे, क्या ये तीनों के साथ आएगी, तो हमको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और मान लो कि एक बार सपोज करो कि ये जो डायग्राम है ना, ये स्कूल है, ठीक है, ये है स्कूल, ठीक, स्कूल है, और यहाँ पर मैं स्कूल को ही मान रहा हूँ कि स्कूल जो हमारी है वो वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, और वर्ब का काम कर रही है, और एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वर्ब अगर है तो हम सब्जेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब स्कूल का जो हेड होता है वो आपको पता है कि प्रिंसिपल होता है, स्कूल में जो दूसरा पोस्ट आता है वो आता है वाइस प्रिंसिपल का, ठीक, और वाइस प्रिंसिपल का आता है, अगर तीसरा देखा जाए तो वो आता है टीचर्स का, किसका आता है, टीचर्स का आता है। अब बात करते हैं हम कि आखिर ये कह क्या रहा है, आखिर ये कह क्या रहा है, ये टीचर स्टूडेंट ये सब क्यों बनाया हमने, तो क्यों बनाया ध्यान से देखो, ये जो प्रिंसिपल है ना, ज़रा हमें बताओ कि स्कूल को हमने अगर वर्ब माना है तो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हेड होता है, उसी तरह अगर हम वर्ब में देखा जाए तो कौन हेड होगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन हेड होगा ना, तो आप बताओ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन, प्रिंसिपल का मतलब मेन होता है, तो इसी तरह वर्ब में भी एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे ही मेन लगा हुआ है, यानी सीधी सी बात है प्रिंसिपल को हमको क्या मानना पड़ेगा, मेन वर्ब, ठीक। अब प्रिंसिपल की हेल्प के लिए ही वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट दी जाती है, ताकि अगर ये कुछ इधर उधर हो तो ये काम करे साथ में मिलके, यानी सीधी सी बात है कि वाइस प्रिंसिपल हेल्प के लिए आता है, और अगर हम वर्ब में भी देखें ना तो वर्ब में भी एक चीज आती है, कौन आती है, वो आती है हेल्पिंग वर्ब, तो वाइस प्रिंसिपल इक्वल टू हम कह देंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा टीचर्स की बात कर लेते हैं ज़रा, टीचर्स क्या है भाई, अब जो बच गया वो टीचर्स में जाएगा, यानी सीधी सी बात है एक ही वर्ब तो हमारी बची है, वो बची है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको मॉडल्स भी बोलते हैं वो चला जाएगा टीचर्स में, ठीक है। स्कूल को हमने वर्ब माना है, वर्ब से एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे आगे, ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू मेन वर्ब है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब है, और टीचर्स इक्वल टू आपका है ऑक्सिलरी वर्ब, टीचर्स इक्वल टू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है, आगे ज़रा बढ़ते हैं, क्या है कि अगर हम अब बात करते हैं कि मान लो अगर स्कूल हमारा जो स्कूल है, अगर हम बात करें हमारा जो स्कूल है, मान लो कि उस स्कूल में केवल दो बच्चे हैं, ठीक है, उस प्रिंसिपल साहब के स्कूल में केवल दो बच्चे हैं, तो क्या उस प्रिंसिपल को इनकी और इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या उस प्रिंसिपल को इस वाइस प्रिंसिपल और टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कहेंगे नहीं पड़ेगी भाई, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इनकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि दो बच्चे हैं, ठीक है, और मान लो दो बच्चे क्लास सेकेंड स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है, दो थर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड के हैं, तो क्या इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी भाई, ये अकेले चलाएंगे, और अगर ये अकेले चला लेंगे, यानी सीधी सी बात है इसको अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में देखें तो एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी अकेले आ सकता है, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल अकेले स्कूल चलाएगा, उसी तरह एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी अकेले आ सकता है, और कैसे आ सकता है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं लिख दूँ ही went, ठीक है, he went, दूसरा लिखूं he plays hockey, ठीक है, तीसरा लिखूं I play cricket, ठीक है, इसको भी हम play में ही चेंज कर देते हैं, सब सही रहेगा, I played, ठीक है, hockey,
अब देखो यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस सही है। तीनों सेंटेंस क्यों सही है? क्योंकि एक तो दे रहा है कि उसने हॉकी खेला, प्लेड लगा दिया इसने, सेकंड फॉर्म रख दी, सेंटेंस सही है, पढ़े भी हैं। दूसरा है ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब की एस आई एस फॉर्म। और तीसरा है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको पता है कि सेंटेंस सही है। और इसमें जरा देखो कि हमारे पास सब्जेक्ट ही आई है, तीनों में सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट ही है और इसमें आई है। अगर हम सब्जेक्ट प्लेस करें, अगर हम सब्जेक्ट देखें, सीधी सी बात है, अगर हम सब्जेक्ट देखने की कोशिश करें तो इसमें आपका ही है, इसमें भी ही है और इसमें आई है, ठीक है। और अगर हम देखें वर्ब तो इसमें लगा है प्लेड, और आपको पता है कि प्ले जो है एक मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है? क्योंकि प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले एक एक्शन शो करती है, प्ले के पांच फॉर्म भी बनते हैं, प्ले प्लेज प्लेड प्लेड प्लेइंग। तो यानी सीधी सी बात है ये तो बनी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगी है तो हम सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं। अच्छा प्लेज क्या है? तो प्लेज आपकी मेन वर्ब की एस आई एस फॉर्म है क्योंकि एस लगा दिया है, और प्ले अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर ये बात किया जाए कि अगर ऐसा कुछ है तो अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या इस सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ये भी मेन वर्ब है ये भी मेन वर्ब, बस फॉर्म अलग है, क्या इस सब्जेक्ट और इस मेन वर्ब के बीच में क्या आपने कुछ और रखा हुआ है? रखने का मतलब है ना कि आपने क्या कैन कुड मे माइट शुड वुड विल शैल इज एम आर वॉज वर हैज हैव बीन डू डज डिड, ऐसा कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा ना? अगर नहीं दिख रहा है यानी सीधी सी बात है कि आपने सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब रख दिया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब रख दिया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब रख दिया, यानी कि ये भी सेंटेंस सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। और इससे ये बात पता चल गई कि एक मेन वर्ब अपने सब्जेक्ट को लेके आ सकता है और सेंटेंस को करेक्ट भी कर सकता है। यानी कि हम अगर मेन वर्ब के बारे में सेंटेंस के तौर पे निकालें तो हम लिख सकते हैं कि अ मेन वर्ब कैन कम अलोन, कैन कम अलोन एंड करेक्ट अ सेंटेंस, एंड करेक्ट अ एक मेन वर्ब अकेले आ सकता है और सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है, और सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है, ये मेन वर्ब का पहला बना, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि मेन वर्ब अकेले आ सकता है, ये आपके पास एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, दो चार एग्जांपल्स और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं लिखूँगा ना आई राइट अ लेटर, आई टॉट यू इंग्लिश, ठीक है, ही टीचेस हिंदी। देखिए ये जो आपके पास तीन सेंटेंस पड़े हुए हैं, इन तीनों में कहीं भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैन कुड मे माइट इज एम आर वॉज वर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है यानी सीधी सी बात है, सब्जेक्ट को सीधे मेन वर्ब मिली, सब्जेक्ट को सीधे मेन वर्ब मिली, सब्जेक्ट को सीधे मेन वर्ब मिली। यहाँ पे कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म मिली? तो एस आई एस मिली। यहाँ पे कौन सी फॉर्म मिली? तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली। यहाँ कौन सी फॉर्म मिली? तो ये फर्स्ट फॉर्म ही मिली, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हर जगह आपने मेन वर्ब रख दिया और सब सेंटेंस सही आई। राइट अ लेटर मतलब मैं लेटर लिखता हूँ, ये हो जाएगा। आई टॉट यू इंग्लिश का मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाया, मैंने इंग्लिश पढ़ाया तुमको, और ठीक है ही टीचेस हिंदी का मतलब है वह हिंदी पढ़ाता है, ठीक है। तीनों सेंटेंस सही है, आपको भी पता है तीनों सेंटेंस सही है। ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एस या एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस में ही आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स थे कुछ। अगर एग्जांपल्स के बाद आगे बढ़ा जाए तो हम बात करेंगे फिर से हम डायग्राम पे आ जाते हैं, जरा उस डायग्राम पे फिर से आ जाते हैं जिस जहां पे हमने बनाया था वो डायग्राम। ये यही डायग्राम था आपका जहाँ पे हमने बताया था प्रिंसिपल इक्वल टू मेन वर्ब
वाइस प्रिंसिपल इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब और टीचर्स इक्वल टू ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक चीज़ तो हमने बता दी कि ये जो हमारे प्रिंसिपल साहब है ना, स्कूल में अकेले भी आते हैं, तो लिखा भी है अ मेन वर्ब कैन कम अलोन एंड करेक्ट अ सेंटेंस। एक मेन वर्ब अकेले आ सकता है और सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है। अब जरा आ जाते हैं दूसरी चीज पे, ठीक है। इस बार क्या हुआ ना, इस बार स्कूल में हमारा जो स्कूल चल रहा था ठीक ठाक, जो प्रिंसिपल साहब चला रहे थे दो चीज़ों को लेके, दो बच्चों को लेके, उसमें ना 10 बच्चे आ गए, और उस 10 बच्चे में से ना 6 बच्चे तो प्रिंसिपल की वजह से आए हैं, और जो 4 बच्चे हैं ना वो नीचे जो वाइस प्रिंसिपल है उनकी वजह से आए हैं, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल उनका दोस्त क्या है, वाइस प्रिंसिपल उनका दोस्त है, तो वो 4 बच्चों को और लेके आ गया। ये 2 बच्चों से बढ़ के ना 4 और बच्चे, मतलब टोटल 6 बच्चे आ गए, और वाइस प्रिंसिपल ने अपने और 4 बच्चे दे दिए, ठीक है। और 4 बच्चे दिए तो वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि हमारी तरफ से भी तो 4 बच्चे हैं, तो ऐसा है हमें भी थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ शेयर दीजिए। तो बोला गया कि चलो ठीक है, तुम वाइस प्रिंसिपल बन जाओ, ठीक। यानी अब जो स्कूल है वो 10 बच्चों का है, 4 बच्चे वाइस प्रिंसिपल के और 6 बच्चे प्रिंसिपल के। अब स्कूल अगर 10 बच्चों का है तो यानी कि अब स्कूल कौन चला रहा है, दोनों लोग चला रहे हैं। इसमें हेड कौन है, अभी भी प्रिंसिपल ही हेड है, क्योंकि उनका ज़्यादा शेयर है। यानी सीधी सी बात है कि इस बार क्या हुआ कि हमारे पास सब्जेक्ट थी, और सब्जेक्ट के बाद ना बीच में आ गई हेल्पिंग वर्ब, वाइस प्रिंसिपल आ गए, और उसके बाद मेन वर्ब आ रही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये पता करना है कि क्या ये सही है या गलत। एक बार तो मेन वर्ब अकेले आया था, एक बार तो हमने आपको दिखा दिया था कि सब्जेक्ट प्लस सीधे के आ रही है, मेन वर्ब अपनी फॉर्म लेके आ रही है, तो यहाँ ये आपका अकेले आया था, तो ये वाला बन जाएगा कि मेन वर्ब कैन कम अलोन एंड करेक्ट अ सेंटेंस, ये वाली चीज़ हो जाएगी। दूसरा हो गया कि अगर मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है तो क्या ये सही होगा, मतलब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एक साथ आएंगे, स्कूल में तो सही होता है, क्या सेंटेंस में सही होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, क्या ये एग्जांपल सही होंगे। अब एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, देखो हम लिख रहे हैं, अगर मैं लिखूं ही इज प्ले को ही ले रहे हैं, वहां प्ले हमने लिया था ना, यहां भी मैं प्ले को ले रहा हूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दूसरा ही हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, He had playing cricket. अब अगर आप थोड़ा सा भी टेंस की जानकारी रखते हो तो ये आपको सारे सेंटेंसेस सही लगेंगे। क्यों सही लगेंगे, क्योंकि इज एमआर के बाद आई एन जी फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। वॉज वर के बाद आई एन जी फॉर्म आती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। और हैड के बाद वी3 आती है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, डैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस है। यानी सीधी सी बात है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको टेंस की जानकारी होगी तो मैं क्या ये कह रहा हूँ ना आपको कि अगर इज एम आर आपने कहीं पर देखा है और उसके साथ अगर आईएनजी फॉर्म आपको दिख रही है तो ये कौन सा टेंस बन जाता है, ये बन जाता है, ये शो करता है क्या, कॉन्टिन्यूस। इज एम आर ही नहीं, यहाँ पे मैं वॉज वर भी लिख दे रहा हूँ, इज एम आर या वॉज वर अगर आपको आईएनजी के साथ दिख रही है तो कॉन्टिन्यूस शो करती है। अब कौन सा कॉन्टिन्यूस होगा वो डिपेंड करेगा, अगर वॉज वर होगा तो वो पास्ट में चला जाएगा, और अगर ये होगा आपका आईएनजी इज एम आर के साथ आएगी तो प्रेजेंट में आएगी। अच्छा, अगर हम हैज हैव हैड को देख लें, अगर हम हैज हैव और हैड को देख लें तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये आपकी टेंस हो जाती है परफेक्ट की, लेकिन कब, जब इनके साथ क्या लगा हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो। अगर हैज हैव हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो चली जाती है परफेक्ट में, ठीक है। अब वो बात की बात है कि हैड अगर लगाओगे तो पास्ट में जाएगी और हैज हैव लगाओगे तो प्रेजेंट में जाएगी। यानी सीधी सी बात है, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। इज एम आर प्लेइंग, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल लिया है, खेल चुका है। ही वॉज, यहाँ एक्शन कंप्लीटेड है, यहाँ एक्शन अभी कंटिन्यू है, मतलब एक्शन अभी भी चल रहा है, इनकम्प्लीट है। और ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट की इनकम्प्लीट एक्शन है, पास्ट की इनकम्प्लीट एक्शन है का मतलब है कि पास्ट में कोई चीज थी वो चल रही थी, पता नहीं कब तक चलेगी, क्या है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। और ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट की चीजें जो है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। ये कोई स्टेटमेंट आपको बता रहा है, पास्ट में बता रहा है। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट पास्ट में जाके आपको ये स्टेटमेंट अगर दूंगा तो यही स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा कि ही हैड प्लेड क्रिकेट, सॉरी यहां ही हैड प्लेड क्रिकेट है, क्या है भाई, ही हैड प्लेड क्रिकेट है, प्लेइंग लिख दिया है, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक, हैड के साथ
थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड प्लेड क्रिकेट हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैड प्लेड क्रिकेट, यानी कि अगर आप वह क्या हुआ, क्रिकेट खेल चुका था। खेल चुका था का मतलब है कि मैं स्टेटमेंट पास्ट में जाके दे रहा हूँ। अगर मैं स्टेटमेंट पास्ट में जाके दे रहा हूँ ना, तो मैं परफेक्ट का यूज करूँगा, ठीक है, वो भी पास्ट परफेक्ट का, ठीक, क्योंकि वहाँ की एक्शन कंप्लीट हो गई है। और जब मैं स्टेटमेंट देने जा रहा था ना पास्ट में, तब तक वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि वो पास्ट का पास्ट बन गया, पुराना पास्ट हो गया, तो इसलिए हमने हैड में रखा हुआ है। ये सारे स्टेटमेंट सही है। अब स्टेटमेंट सही है अगर, तो यहां देखो कि प्लेइंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है, प्ले, यहां पे, यहां भी प्ले आपकी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म के साथ आई है, यहां भी प्ले आपकी मेन वर्ब है, आईएनजी के साथ आई है, और यहां भी प्ले आपकी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म के साथ आई है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है और ये ही आपका सारा सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कुछ है और ही आपका सारा सब्जेक्ट है, अगर ऐसा कुछ है और ही आपका सारा सब्जेक्ट है, ये भी मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्या ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आए हैं, क्या ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आए हैं? अगर आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बीच में क्या है, इज, हैज, वॉज, हैड, एक सेंटेंस और लिख दे रहा हूँ मैं, अगर बोलूँगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, बीच में इज, हैज, वॉज, हैड, डज रख रहे हैं, ये हैं क्या भाई? तो ये सीधी सीधी बात है, पता आपको क्या है ये ना, ये आपकी कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाती हैं भाई? ये आपकी कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाती हैं? ये आपकी कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। ये कहलाती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं अगर बात की जाए, तो देखो नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पूरी इंग्लिश में 11 होती हैं केवल। कौन कौन सी होती हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, एक होता है टू बी का फॉर्म जो होता है, इज, एम, आर, ठीक है, दूसरा यही बी का ही फॉर्म है, ये भी, वाज, वर, ठीक है, अच्छा, और एक हैव का जो फॉर्म होता है वो क्या होती है, तो हैज, हैव, और पास में चले जाओगे तो हैड, अच्छा, एक डू का भी फॉर्म होता है वो क्या होता है, डू, डज, और एक क्या होता है, डिड, ठीक है, यही 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं भाई, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब ये अगर आ रही है मेन वर्ब के साथ, तो यानी ये वाइस प्रिंसिपल है। क्या है भाई हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या माना है, वाइस प्रिंसिपल है, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। वहां क्या लिखा था हमने उस सेंटेंस में, हमने क्या लिखा था जरा देखते हैं फिर से, उस सेंटेंस में हमने क्या लिखा था वो हम एक बार देख लेते हैं, उस सेंटेंस में हमने क्या लिखा था एक बार हम देख लेते हैं कि उसमें एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, ये था ना, ये था, ठीक है, ये एग्जाम्पल था आपका। अब यहाँ पे देखो, इज हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना कि एक सेंटेंस में और क्या हो सकता है, प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल भी आ सकती है, मतलब मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ और क्या आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। यानी सीधी सी बात है ना कि मैं एक डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से फिर से। एक डेफिनेशन तो हम ये निकाल के आए थे कि अ मेन वर्ब कैन कम अलोन एंड करेक्ट अ सेंटेंस। मैं दूसरा डेफिनेशन देने की कोशिश करूँ यहीं पे अगर, तो इसको मैं मिटा के दूसरा डेफिनेशन ये देने की कोशिश करूँ, तो मैं सीधे कहूँगा कि अ मेन वर्ब कैन कम विद हेल्पिंग वर्ब एंड करेक्ट अ सेंटेंस, और सेंटेंस को क्या करता है, करेक्ट करता है। अ मेन वर्ब कैन कम विद हेल्पिंग वर्ब एंड करेक्ट अ सेंटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से मैं एक दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, ही डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी। देख लो यहाँ पे डिड नॉट परफॉर्म, यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर ही के साथ डायरेक्ट लिखते परफॉर्म, तो परफॉर्म्स लिख देते तो सही हो जाता, या परफॉर्म्ड लिख देते तो सही हो जाता। बीच में आपने डिड लगा दिया ना, और डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब 11 होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी सीधी सी बात है, मेरे कहने का मतलब यही है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ सकती है, और ये सेंटेंस सही है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब यही हो गया, ठीक, तो ये भी सही हो गया, ठीक। यानी कि एक डेफिनेशन हमने ये भी लिखा दी कि अ मेन वर्ब कैन कम विद हेल्पिंग वर्ब एंड करेक्ट अ सेंटेंस। एक लिखा हमने कि अ मेन वर्ब कैन कम अलोन एंड करेक्ट अ सेंटेंस। ये दो डेफिनेशन हमने आपको दे डाले हैं, क्या दिए हैं आपको, हमने दो डेफिनेशन आपको पुट किए हैं, ये दोनों डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अ मेन वर्ब कैन कम अलोन एंड करेक्ट अ सेंटेंस, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा क्या लिखा हमने, अ मेन वर्ब कैन
अ मेन वर्ब, अगर हमें दूसरा लिखना हो तो हम लिखेंगे अ मेन वर्ब कैन कम विद हेल्पिंग वर्ब एंड करेक्ट अ सेंटेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई आपकी। ये जब आपकी दो चीज़ें निकल के आ गई तो एक बार और देख लेते हैं तीसरा कंडीशन क्या बनेगा। तीसरे कंडीशन पे अगर हम बात करेंगे, किस पे बात करेंगे हम, अगर तीसरे कंडीशन पे हम बात करेंगे तो एक बार रुक दे। वो हटा दिया, नहीं नहीं ये जो है ये सही है, हाँ ये हो गया, मतलब जहाँ तक है वहाँ तक, यहाँ तक कर दिया।